स्वागत है आप सबका लोको पर, जो कि है इंडिया का सबसे पहला लाइव ट्रिविया गेम शो। आजकल हम अपना समय फोन पर इतना बिताते हैं कि हम चलते दौड़ते भागते खाना खाते हुए सोते हुए नहाते हुए किसी ना किसी को टेक्स्ट जरूर कर रहे होते हैं। और जब हम इतना टेक्स्ट करते हैं इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो कहीं ना कहीं हमसे एक बार तो ये गलती हो ही जाती है कि हम गलत मैसेज किसी गलत इंसान को भेज देते हैं। और जब वो होता है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं कि डैम अब क्या होगा, उसने मैसेज पढ़ लिया, मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अगर आप कभी भी आगे चलते ऐसी सिचुएशन में फंसे, तो पैनिक करने के बजाय हमें उस समय अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना काफी जरूरी है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करें कि अपने मैसेज को डिलीवर होने से पहले ही अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपने अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाला, तो वो जो मैसेज है उसकी डिलीवरी फेल्ड दिखाएगी। और जब डिलीवरी फेल हो जाएगी तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बहुत अच्छे से बच जाएंगे और आप को किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वॉज मोनिकास टिपी टिपी टॉप फॉर द डे। चीज के बारे में सतर्क करना चाहते हैं, अगर आप सबने अभी सुना ही होगा कि निपा वायरस बहुत अभी फैला हुआ है और सब जगह चर्चा में है, और केरला में अभी वो हिट किया है और काफी लोगों ने वहां पे अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू दिस। सो जस्ट दिस इज अ मैसेज टू यू कि आप प्लीज थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि जो वो वायरस है काफी कंटेजियस और कम्युनिकेबल है। सो मेक श्योर कि आप थोड़े वो पेशेंट्स के साथ भी वो कंटेमिनेशन हो सकता है, एंड ऑल्सो ये पिक्स और बैट्स से भी मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखें, एंड ऑल्सो अवॉइड खजूर के प्रोडक्ट्स। आप खजूर खाना थोड़ा अभी कुछ समय के लिए अवॉइड करिएगा। सो बी केयरफुल। मूविंग ऑन टू सम पिक्चर्स, हमें फैन पिक्चर्स आए हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर आपके पास अपने पुराने वॉकमैन की फोटोग्राफ है तो हमें भेजिएगा। तो ये फोटोग्राफ हमें भेजी है क्षितिज बापना ने, और उन्होंने बताया कि उनके दादाजी ने ये जो वॉकमैन है उनके बड़े भाई को गिफ्ट किया था उनकी बोर्ड एग्जाम्स के दौरान, ये कहते हुए कि आई होप ऑल द बेस्ट और आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। और 7 साल बाद ये जो वॉकमैन है ये एकदम अमेजिंग काम कर रहा है। अनदर फोटोग्राफ हम आपको दिखाना चाहते हैं सार्थक गुप्ता की। ये थोड़ी सी ये हम आपको एक केक की फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, वॉकमैन की नहीं। सार्थक गुप्ता ने हमें एक ट्वीट किया ये कहते हुए कि उनका बर्थडे था और उन्हें किसी ने भी विश नहीं किया उनके मम्मी पापा और बाबा और दादी के अलावा। सो दिस इज अ विश, अ वेरी हैप्पी बर्थडे गोइंग टू यू सार्थक गुप्ता फ्रॉम मोनिका, फ्रॉम हिप्पो जी, फ्रॉम द एंटायर लोको नेशन। सो आई होप योर बर्थडे वेंट रियली वेल, और आगे आने वाले समय में भी आपका बर्थडे बहुत अच्छा रहेगा। सो आई होप यू गाइस आर ऑल सेट फॉर टुडेज गेम। आज की प्राइस मनी है पूरे 50,000 रुपए, एंड वी आर गोना स्टार्ट अ क्विज। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। व्हाट इज अ स्विमिंग पूल मोस्ट लाइकली टू बी फिल्ड विथ, मिल्क, वाटर या पॉइजन? यार ये जब ऐसे वार्म अप सवाल होते हैं ना, तो हमारा एक्साइटमेंट और डबल हो जाता है ये सोचने के लिए कि इसमें गलत आंसर कौन देगा। मतलब आज देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसमें दूध बोलते हैं, क्योंकि दूध तो हम कहीं ना कहीं सिर्फ लक्स के एड में उन सेलिब्रिटीज को नहाते हुए देखते हैं, वही दूध में नहाना दिखाई देता है। द राइट आंसर फॉर यू, और लोगों ने दूध बोला है, द राइट आंसर फॉर यू इज वॉटर। वेल पता है हमें स्विमिंग से काफी डर था, तो हमने पिछले साल ऐसा चैलेंज लिया कि आई एम गोइंग टू फेस इट एंड आई एम गोना गो एंड लर्न स्विमिंग, एंड एक्चुअली आई लर्न स्विमिंग। So I'm going to tell you that please go out there and face your fears. You never know, you might just come out as a winner. Question number 2. Which of these countries is located to the south of India? Bangladesh, Afghanistan, ya Sri Lanka? I'm sure आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी है और आप इस मैप हमारे जो इस हिंदुस्तान और दुनिया के मैप हैं उससे काफी अच्छे वाकिफ हैं, तो आपको इसका सवाल इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से पता होगा। द राइट आंसर फॉर यू इज श्रीलंका, एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पॉक स्ट्रेट। क्या आपको पता हमेशा उनके बारे में जान के रखते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपांड द ग्लोब ग्लोबल फाइनेंस टर्म IMF, इंटरनेशनल डैश फंड, मॉनेटरी मैनेजमेंट या मल्टी फाइनेंस।
Well, this question is for you. I hope you guys get it right. We are on question number 3 right now. And let me tell you that IMF is an international organization headquartered in Washington, D.C. The right answer for you is monetary. And we have got about 63,000 people who have got it right. A big congratulations to you guys. 7 more questions ahead of you. Let me tell you that this was formed in 1945 and 72 years ago as of 2016. We're going to move to question number 4. Which of these high courts has jurisdiction over the maximum number of states? Delhi, Kolkata, ya Guwahati? Agar aap inme se kisi bhi state se hai, toh I'm sure aapko iska jawab bahut acche se pata hoga. And let me tell you that the Guwahati High Court was established on 1st March 1948 after the Government of India Act 1935 was passed. The right answer for us is Guwahati, and we have got about 34,000 people who have got it right. It has the largest jurisdiction in terms of states, with its area covering the states of Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram. We are going to move to question number 5 for you. Just hold your breath and calm down. Who invented the Cresco graph? C.V. Raman, J.C. Bose, or S.N. Bose? Let me tell you what a Cresco graph is to begin with. A Cresco graph is a device for measuring the growth in plants. I'm sure hum sab apne garden mein bahar bagiche mein bahut sara samay bitate hain ye soch ke ki yaar ye plant ugta kab hai, iski height kab badi hoti hai, hume dikhai kyun nahi deti hai. Well, uske liye hota hai Cresco graph. The right answer for you is J.C. Bose. And I'll tell you, में फेंकने की बजाय किसी ग्राउंड पे फेंक दीजिए, क्या पता प्लांट उग जाए. एंड इफ यू आर नर्चरिंग अ प्लांट, डू सेंड अस द फोटोग्राफ्स ऑन @getloco नाउ. क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ दीस ऑटोमोबाइल कंपनीज वाज फाउंडेड द अर्लीस्ट? BMW, Volkswagen या क्रिसलर? Well, I'm sure आप सबको कार्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा, और जब भी हम कोई ऐसी बड़ी सी कार देखते हैं तो कैसे हम वहीं के वहीं अटक जाते हैं ना, उसको जहाँ तक हमारी नज़र जाती वहाँ तक उसे फॉलो ज़रूर करते हैं कि यार एक दिन मेरे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए. The right answer for you is BMW. We have got about 12,000 people have got it right, and BMW was founded in 1916 and has its headquarters in Munich, Bavaria. And the Chrysler company was founded by Walter Chrysler on June 6, 1925, whereas Volkswagen was founded in 1937. Question number 7, who was the first Deputy Prime Minister of India? Morarji Desai, Lal Bahadur Shastri, Vallabh Bhai Patel? Well, usually also holds a key cabinet portfolio such as Home Minister or Finance Minister. So I'm sure you know this person's name very well, and the right answer for you is Vallabhbhai Patel. We have got about 15,000 people have got it right, and Vallabhbhai Patel was also the Home Minister. And all of you guys who are winning this, I'm going to keep my fingers crossed. Moving to question number 8, who is the author of the Delhi Travelogue City of Jinns? V.S. Naipaul, Khushwant Singh, या विलियम डेलरिम्पल? ये नाम थोड़ा सा ऐसा ट्विस्टी है, तो अगर आपको जब किसी नाम का प्रोनंसिएशन नहीं पता है तो प्लीज उसे गूगल पे फटाफट चेक करिए ताकि आप उसको एकदम प्रॉपरली प्रोनाउंस कर पाए. द राइट आंसर फॉर यू इज विलियम डेलरिम्पल. Rimpel, about the historical capital of India, Delhi. और ये उनकी दूसरी बुक थी, और ये बुक उन्होंने लिखी थी after staying in Delhi for 6 years. Like, that is fantastic, right? Question number 9. Le Corbusier was brought in to design Chandigarh after whose death? Matthew Nowicki, Jean Nouvel या Charles Garnier? Well, अगर आपको आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यू शुड डेफिनेटली विजिट चंडीगढ़, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुली प्लान्ड सिटी, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको सच में लगेगा कि आप कहीं और ही आ गए हैं. द राइट आंसर फॉर यू इज मैथ्यू नोविकी. एंड चंडीगढ़ वॉज अ ड्रीम सिटी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू, एंड आर्किटेक्ट एल्बर्ट Mayor and his collaborator Matthew Nowicki were brought in over the next year, and the pair began to develop a plan-based garden city model. But when Nowicki died unexpectedly, Mayor also backed off. Question number 10. The name of which capital city of the world means Monday? Bishkek, Baku, ya Dushanbe?
वैसे हम सबको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली मंडे से बड़ी नफरत होती है, लगता है कि यार वीकेंड क्यों निकल गया, क्यों मंडे आ गया, क्यों मंडे आ गया, लेकिन मंडे आता है और उस दिन हम आपसे मिलते हैं, लोगों भी खेलते हैं. वेल द राइट आंसर फॉर यू इज दुशानबे, एंड दुशानबे इज द लार्जेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ ताजिकिस्तान, एंड उसका मतलब होता है मंडे, और उसका मतलब ये मंडे इसलिए है क्योंकि इट वॉज नेम्ड दिस वे बिकॉज इट ग्रो फ्रॉम अ विलेज दैट ओरिजिनली हैड अ पॉपुलर मार्केट ऑन मंडेज. वेल ऑल ऑफ यू विनर्स आउट देयर, वी हैव गॉट अबाउट 2,085 विनर्स एंड यू ऑल हैव वन अबाउट 23 रुपीज ईच. बिग 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 कंग्रेचुलेशन टू यू गाइज. हमारा मिड वीक चल रहा है और इस मिड वीक क्राइसिस में हमने आपका दिन काफी अच्छा बना दिया है इस जीत के साथ. सो ऑल्सो डू रिमेंबर कि अगर आप किसी प्लांट को नर्चर कर रहे हैं, अगर आपने अपने हाथों से उसके बीज बोए हैं और उसे उगता हुआ देखा है, तो उसकी फोटोग्राफ हमारे साथ जरूर @getlokonow पर शेयर करिएगा. हम उसे अपने अगले गेम में फीचर करेंगे. हम आज रात का लड्डू आपको बताने वाले हैं. गुलाब जामुन इज कॉल्ड लाल मोहन इन नेपाल. लेट मी रिपीट इट. गुलाब जामुन इज कॉल्ड लाल मोहन इन नेपाल. तो आप जितने भी विनर्स हैं, आई एम श्योर आज लड्डू की जगह आप गुलाब जामुन के साथ एक ट्रीट करेंगे, और अगर आप ये ट्रीट करते हैं तो उसकी फोटोग्राफ भी हमें @getlokonow पर लोको नेशन हैशटैग करके जरूर भेजिएगा. दिस इज मोनिका साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. आई विल मीट यू सून. बाय बाय.